The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Computer ke samne baithe sabhi darshakon se hamara anurodh hai ki wo computer band na kare. क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं इम्पॉर्टेंट जानकारी कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के बारे में. कंप्यूटर या लैपटॉप या फ़ोन या टीवी, इन सभी के से बेसिकली आपकी आँखों में पड़ने वाले असर को कहते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम. इससे होता क्या है, क्यों है, कैसे है, आज हम जानेंगे. ये एक आँखों की विजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो हो रही है बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड कंप्यूटर एक्सपोजर, टैबलेट, रीडर, सेलफोन, टीवी, सबके जो क्लोज एक्सपोजर से आपकी आंखों पे असर हो रहा है उसे कहते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, डिजिटल आई स्ट्रेन, व्हाटएवर यू कॉल इट, राइट. पर होता क्या है इसे? कुछ लोगों को माइनर आंखों में डिस्कम्फर्ट होगा, विजन प्रॉब्लम, कुछ ब्लरिंग हो सकता है और जब वो डिजिटल स्क्रीन देखेंगे ज़्यादा देर तक, और ये डिस्कम्फर्ट धीरे 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 बढ़ सकता है. मतलब एक एवरेज इंसान पूरी दुनिया में अगर बात करें तो दिन का 7 घंटा तक, 6 से 7 घंटा या तो कंप्यूटर पे या ऑफिस में या मोबाइल पे स्क्रीन पे बता रहा है. और अगर हम इस चीज़ के इफ़ेक्ट को देखेंगे तो इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है आपके मासूम आँखों पर. बिना ग्लेयर वाली, एंटी ग्लेयर वाले चश्मों के, आई मीन वॉट एवर, बट देन उसमें होता क्या है सिम्टम. आपको हो सकता है सर में दर्द, आपको हो सकता है आँखों में स्ट्रेन, आपको हो सकता है ब्लरी विजन, हो सकता है आई ड्राई, ड्राई आई, नेक पेन, शोल्डर पेन, मतलब पेन. और क्या हो सकता है? आपको हो सकता है डिजिटल स्क्रीन पे आपका ग्लेयर आ सकता है, यानी आपको कभी कभी कुछ चमकते हुए दिखे, लाइटिंग पुअर दिखे, इम्प्रॉपर डिस्टेंस व्यूइंग दिखे, दूर से दिखना कम हो जाए, या फिर इसके कारण क्या हो सकते हैं. मान लो अगर आप सही से नहीं बैठ रहे, इफ़ यू आर सिटिंग रॉन्गली, ऐसे बैठे हैं चुपके, तो गर्दन में दर्द होने लग जाए. मान लो अगर आप स्ट्रेट पीठ नहीं करके बैठे तो प्रॉब्लम हो सकती है. मान लो अगर आपके जो स्क्रीन है उसकी लाइट बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है तो आँखों में और ज़्यादा ब्लू लाइट जाएगी, बहुत कम है तो स्ट्रेन आएगा, राइट. डिस्टेंस इम्प्रॉपर है, बहुत पास से देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा दूर से देख रहे हैं, या फिर ग्लेयर है आपके विजन में. ग्लेयर मतलब कुछ चमक रहा है, नहीं डायरेक्ट टॉर्च या डायरेक्ट उसको देख रहे हैं. टिकटॉक वालों के लिए भैया अनकरेक्टेड विजन प्रॉब्लम्स. अगर मान लो आंखों में चश्मा है लेकिन चश्मे के बगैर मैं देखूंगा, फिर प्रॉब्लम. तो ये सब चीजों का कॉम्बिनेशन हो सकता है और इससे आपकी आंखों को डैमेज हो सकता है, कभी टेम्पररी, कभी परमानेंट, कभी आपको प्रॉब्लम आ सकता है. नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, एस्टिगमेटिज्म, पुअर आई कोऑर्डिनेशन, पुअर फोकस, द एबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम्स कमिंग इन दी आई, जो प्रेस बायोपिया, आपकी एजिंग की जो चेंजेस हैं वो बढ़ सकते हैं, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी कम हो सकती है आंखों में. सो देयर कैन बी अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो करें क्या? ज्यादातर केसेस में टेम्पररी होता है, मतलब अगर आप अपना एक्सपोजर कम कर दोगे तो पॉसिबल है कि आपकी दिक्कतें वापस ठीक हो जाए, लेकिन ये कुछ इंडिविजुअल्स में परमानेंट ब्लरी विजन, परमानेंट विजन प्रॉब्लम्स कर सकता है. और अगर आपने इसको एड्रेस नहीं किया, इसको प्रिवेंट करने के लिए आप कुछ स्टेप्स ले सकते हैं. एक तो आप लाइटिंग को कंट्रोल करें, स्क्रीन पे ग्लेयर को कंट्रोल करें, प्रॉपर डिस्टेंस रखें, प्रॉपर पोस्चर रखें, और अगर कोई माइनर विजन प्रॉब्लम है तो तुरंत चेक कराएं. अब बात करें कि भाई इसमें कैसे कैसे करें. अनकरेक्टेड विजन प्रॉब्लम अपने आप में एक बहुत खतरनाक चीज़ है. अगर ऑलरेडी आंखों पे विजन प्रॉब्लम है, चश्मा है, नहीं पहन रहे हो और ज़्यादा स्ट्रेन डाल रहे हो, तो भाई साहब आपकी गलती है, बेवकूफ़ी आपने करी, राइट. सो व्यूइंग अ कंप्यूटर स्क्रीन और अ डिजिटल स्क्रीन इज डिफरेंट दैन रीडिंग अ प्रिंटेड पेपर, बिकॉज
कभी कभी ये एक तो वहां से लाइट निकल रही है, दूसरी उसमें जो जो प्रिंटेड स्क्रीन के ऊपर जो कंप्यूटर स्क्रीन है उसमें जो लेटर्स हैं कभी छोटे होते हैं, कभी बहुत बड़े होते हैं, कभी कभी कॉन्ट्रास्ट ज्यादा होता है, कभी कॉन्ट्रास्ट कम होता है. सो यू नेवर नो दैट राइट. व्यूइंग डिस्टेंस और एंगल जिससे आप देख रहे हो वो भी बहुत मैटर करता है. बहुत कॉमनली ऐसा होता है कि व्यूइंग डिस्टेंस आपको उतना रखना है जितने पे आप एक लिखने वाली डिस्टेंस पे रखोगे, उतना डिस्टेंस आपको रखना होता है जितने पे आप लिखते हो. दैट इज द एवरेज आइडिया, नॉट लाइक कितने सेंटीमीटर और कितने मीटर राइट. सो आपको ये डिस्टेंस का हिसाब हो गया, और ऑब्वियसली आपको पीठ स्ट्रेट रखनी है, क्रोच क्रॉच करके नहीं बैठना है, और अगर कोई चश्मा है तो एंटी ग्लेयर लीजिए, एंटी ग्लेयर कोटिंग लगा सकते हैं कंप्यूटर पे, बहुत डिम या बहुत हाई लाइट मत रखिए. तो इसको अगर मान लो किसी को जानना है कि भाई मुझे कंप्यूटर ग्लेयर सिंड्रोम है, कंप्यूटर विजन प्रॉब्लम है, कोई आई स्ट्रेन है या नहीं है, तो आपको डायग्नोसिस के लिए एक ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट के पास जाना होगा. वो करेंगे आपके आई का एग्जामिनेशन, विजुअल एक्यूटी, हिस्ट्री, कितने घंटे बैठते हो पूछना तो पड़ेगा ही, विजुअल एक्यूटी देखी जाएगी, और आपकी आई का फोकस, मूवमेंट और हाउ दे वर्क टुगेदर योर आईज विल बी टेस्टेड. उससे पता चलेगा कि आपको आंखों में क्या दिक्कत है, कितनी दिक्कत है राइट. फिर हो सकता है आपके आंखों में ड्रॉप्स डाले जाए जिससे आईज की पुतलियां फैल जाए, उसके बाद आंखों के अंदर देखा जाए कि अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है, और उसके बेसिस पे आगे बताया जाए कि भाई आपको बीमारी क्या है. अगर मान लो बीमारी निकलती है कि भाई इस प्रकार की उस प्रकार की, तो फिर आपको कुछ आई केयर चीजें दी जाती है. आई केयर में जरूरी नहीं है कि आपको आई ग्लासेस ही देने पड़ेंगे, आंखों में चश्मे ही लगेंगे. आई केयर में या तो आई ग्लास एक पार्ट है, कॉन्टैक्ट लेंसेज दूसरे पार्ट है. अगर आपको विजुअल प्रॉब्लम, विजुअल एक्यूटी प्रॉब्लम आ चुके हैं, या फिर कभी कभी स्पेशल लेंसेज भी आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ विजुअल एबिलिटीज और डिसकम्फर्ट जो है उसको कम करते हैं, दिस इज ऑल्सो देयर. कुछ कंप्यूटर यूजर आई फोकस और आई कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम महसूस करते हैं, उनको करेक्ट भी आई ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंसेज से किया जा सकता है, या फिर एक प्रोग्राम्ड विजन थेरेपी भी आती है जो स्पेसिफिक विजन को करेक्ट करने के लिए दी जा सकती है. विजन थेरेपी इज ऑल्सो कॉल्ड विजुअल ट्रेनिंग. विजुअल ट्रेनिंग इट्स अ स्ट्रक्चरल प्रोग्राम ऑफ विजुअल एक्टिविटीज विच इज प्रिस्क्राइब्ड टू इम्प्रूव योर विजुअल एबिलिटीज. सिंपल विजुअल बोलेंगे, ऐसे देखो, इसको देखो, उसको देखो, ये करो वो करो, आपको ट्रेनिंग, आंखों को ट्रेन करेंगे राइट. ट्रेन्स द आई, इट बेसिकली ट्रेन्स द आई एंड द ब्रेन टू वर्क टुगेदर मोर इफेक्टिवली राइट. दीज आई एक्सरसाइजेस आपको ये करेगी क्या, आर हेल्पफुल आपके मान लो अगर कोई आई मूवमेंट में थोड़ी बहुत डेफिकेंसी है, फोकस से प्रॉब्लम है, तो ब्रेन आई कनेक्शन बेटर हो जाएगा. ये आपको वो अपने ऑफिस में ही कुछ टाइम का सेशन करवा सकते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ शुड यू व्यू अ कंप्यूटर. अगर कंप्यूटर की बात करें, प्रॉपर डिस्टेंस पोजीशन राइट, कि इट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर ठीक है, कि भी आपका जो कंप्यूटर है वो कैसे डिस्टेंस पे रहे. आपके हाइट स्क्रीन से पैरेलल होनी चाहिए, ना कि ऐसे देखो ना ही ऊपर देखो, सीधी देखनी है, सीधी गर्दन रखनी जरूरी है, और जो आपका कंप्यूटर है वो थोड़ा सा अगर नीचे होगा ऐसे, मतलब स्क्रीन के टॉप पे आपकी आंख जाके टच करनी चाहिए, अगर पैरेलल लाइन मारेंगे. लोकेशन, दैट इज द मोस्ट कॉमन ऑप्टिमल लोकेशन. कंप्यूटर स्क्रीन शुड बी 10-15 to 20 डिग्रीज बिलो द आई लेवल एज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन राइट. और याद रखिए कीबोर्ड या मॉनिटर जो है वो सीधा आपके यहां से लेके ऐसे जो स्ट्रेट एंगल पे होना चाहिए, ये नहीं कि टिक 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 या फिर बहुत ज्यादा आगे, तो दैट इज नॉट देयर. तो सिंपल चीज है, लाइटिंग ग्लेयर नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा बहुत कम लाइट नहीं होनी चाहिए, पीछे से कोई विंडो या पीछे से कोई लाइट नहीं होनी चाहिए, दोज आर द थिंग्स. और ज्यादा हो सके तो ड्रेप्स डाल दीजिए, और पीछे से आपके पीछे से लाइट आएगी तो बेटर है. एंटी ग्लेयर स्क्रीन आप लगा सकते हैं, दैट विल हेल्प यू. सिटिंग पोजीशन कंफर्टेबली रखनी है, बैक को आप रेस्ट दे सकते हैं, आर्म्स को आप बेसिक रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, अगर आप शोल्डर ब्लेड को पीछे रखेंगे तो भी अच्छा है, लेकिन उसको ऐसे झुका के ऐसे क्रॉच करके मत बैठिएगा, बस दैट इज द थिंग. ब्रेक जरूर लेना है हर बार, जब भी आपको लग रहा है आपकी आंख थक गई है, हर 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे एक घंटे ने तो दो घंटे में
दस पाँच मिनट का ब्रेक ले लो, दूर कहीं देख लो, आंखें बंद कर लो, रिलैक्स कर लो, लंबी सांस ले लो, या कोई खिड़की खोल के ग्रीन 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 चीजें, ग्रीन चीजें देखना ज्यादा अच्छा है. एंड देन टू मिनिमाइज योर चांसेस ऑफ डेवलपिंग ड्राई आई, आपको करने ब्लिंक, टिंग 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 टिंग. जी हाँ, ब्लिंकिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट. ब्लिंकिंग कीप्स द सर्फेस ऑफ योर आईज, फ्रंट सर्फेस मॉइस्ट. सो ब्लिंक करते रहिए, ब्लिंकिंग करते रहना है. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेगुलर आई चेकअप होने चाहिए. रेगुलर आई चेकअप्स अपने ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट से करवाते रहेंगे तो आपको नहीं होगा कंप्यूटर विजन सिंड्रोम या आई स्ट्रेन. सो आंखों को बचाएं और खुश रहें. थैंक यू.